फ्लोर पे आएंगे और बैठ जाएंगे। अब आपको अपने पैरों को पकड़ना है, अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, सांस लेंगे गहरा लंबा और धीरे से नीचे आते हुए अपने पैरों को पकड़ेंगे और आपका सिर आपके नीज की तरफ। रिलैक्स करेंगे और ऊपर आएंगे, शुरू करेंगे चक्की चालन आसन। चक्की चालन आसन आप अपनी लेग्स को फैला लेंगे, एक्सपैंड करेंगे लेग्स को आप, और आपके हाथ रहेंगे स्ट्रेट, एल्बोस बिल्कुल लॉक रहेंगी और स्ट्रेट रहेंगे। आपको आगे से घुमा के पीछे आना है, बड़े बड़े राउंड बनाएंगे आपके हाथ आपके पैरों की ओर, 10 राउंड क्लॉकवाइज और 10 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे 10 राउंड बनाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसके दो सेट लगाएंगे हम। चलिए एंटी क्लॉकवाइज, आपको चक्की चालन आसन के अंदर आपकी लेग्स बिल्कुल एक्सपैंड रहेंगी और एल्बोज लॉक रहेंगे। एल्बोज आपको बेंड नहीं करने हैं, लॉक रखने हैं। और दूसरी चीज, ये आपके पेट के मोटापे के लिए बहुत ही अच्छा आसन है चक्की चालन आसन, इससे आपके पेट की बिल्कुल अच्छे से मसाज हो जाती है। वज्रासन में आने के बाद आपको अपने हाथों की मुठिया बनानी है और आपको अपने पेट की नाभि के ऊपर इनको रखना है। गहरा लंबा सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए आपको नीचे की ओर आना है, नीचे की ओर झुकेंगे और होल्ड करेंगे नीचे की पोजीशन में, देखेंगे एक बार। यहीं पे होल्ड करेंगे, आप महसूस कर सकते हैं कि आपका पैंक्रियाज एक्टिवेट होता हुआ और आपका पेट बिल्कुल रिलैक्स, पेट की मसाज होती हुई। ऊपर की ओर आएंगे वापस सांस भरते हुए। So, ये प्रैक्टिस आपको 5 से 10 बार करना है। चलिए अब हम करेंगे वक्रासन, ये भी आसन बहुत अच्छा है डायबिटीज के लिए। दोनों लेग स्ट्रेट रख लेंगे, अपनी राइट लेग को आप फोल्ड कर लेंगे, यहाँ आपका राइट हाथ पीछे, लेफ्ट हैंड से आप यहाँ पर मोड़ के, अपने घुटने से मोड़ के लेफ्ट घुटने को पकड़ेंगे, लेफ्ट हाथ से लेफ्ट घुटने को पकड़ेंगे और आप राइट साइड पे मुड़ जाएंगे। होल्ड करेंगे, और आसन को छोड़ते हुए ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे, राइट साइड आपकी रिलैक्स। लेफ्ट घुटने को मोड़ेंगे आप, लेफ्ट हाथ पीछे और राइट हाथ आपका ऊपर, घुटने की ओर से मोड़ते हुए अपना राइट घुटना पकड़ेंगे और आप लेफ्ट साइड पे मुड़ जाएंगे। होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में, रिलैक्स करेंगे। चलिए आसन को खोलेंगे और लेग्स को स्ट्रेट करेंगे। अगला आसन है पुष्टासन। पुष्टासन में आएंगे,
वज्रासन में आने के बाद आप अपने घुटनों के पैर बैठ जाएंगे, घुटनों के ऊपर बैठेंगे, खड़े हो जाएंगे। उष्टासन के अंदर दो वेरिएशंस हैं, या तो आप अपनी बॉडी को यहीं से ऐसे बेंड कर सकते हैं, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं वो उष्टासन के अंदर घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे और आप बैक को बेंड करते हुए फेस आसमान की तरफ रहेगा, फेस को आपको बेंड नहीं करना, फेस आसमान की तरफ ऐसे बेंड करके होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकंड के लिए। और जो लोग थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं या जो पूरा झुक सकते हैं उनको अपने पीढ़ियों को पकड़ना है इस तरह से। उष्टासन में बहुत ही अच्छा आसन है आपकी बैक के लिए, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रॉन्ग करता है यह आसन और पेट की मसाज होती हुई बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाभकारी आसन। अब हम करेंगे धनुरासन, बॉडी को धनुष की शेप में ले आएंगे और बॉडी को रोल बैक भी करेंगे। इसमें दो तीन वेरिएशंस है। ये आसन बहुत ही अच्छा आसन है धनुरासन, आपकी बैक के लिए, बैक की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। शुरू करते हैं और देखते हैं। फ्लोर पे लेट जाएंगे पेट के बाहर, दोनों पैरों को पकड़ेंगे और बॉडी को लिफ्ट करेंगे ऊपर की ओर। जो लोग इतना ही लिफ्ट कर सकते हैं वो अपनी क्षमता के अनुसार इतना ही लिफ्ट करें, और जो लोग ज्यादा लिफ्ट कर सकते हैं वो ज्यादा लिफ्ट कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार लिफ्ट करेंगे बॉडी को। रिलैक्स करेंगे। अब राइट और लेफ्ट की साइड करेंगे। रिलैक्स करेंगे अब। चलिए अब हम यहीं से करेंगे भुजंगासन। लेटे रहेंगे, आपके हाथ आपकी छाती की साइड्स पे रहेंगे और धीरे धीरे ऊपर की ओर बॉडी को लिफ्ट करेंगे। धीरे धीरे बॉडी को लिफ्ट करेंगे। आप अपने फेस को और ऊपर लेके जा सकते हैं, दांतों को मिलाएंगे और फेस को और ऊपर। रिलैक्स करेंगे, नीचे की ओर आएंगे। चलिए खड़े होंगे, अपने घुटनों के बाहर आएंगे, कैट काउ पोज करेंगे। बैक की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, बैक को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि धनुरासन में आने के बाद बैक में थोड़ी सी स्टिफनेस आ जाती है, सो आपको इसके बाद कैट काउ पोज कर लेना चाहिए। कैट काउ पोज के अंदर बैक को ऊपर लेके जाएंगे, फेस आपका अंदर की ओर, हुडी आपकी छाती की ओर और बाहर। जब आप अपनी बैक को ऊपर लेके जाएंगे और चिन को अंदर की ओर सांस लेना है, और जब आप बाहर की ओर आएंगे पेट नीचे होगा तब आप सांस को छोड़ेंगे। अब आप करेंगे डाउनवर्ड डॉग पोज और अपवर्ड डॉग पोज। डाउनवर्ड डॉग पोज के लिए आपको अपने पैरों के ऊपर ये पोज बनाना है, बॉडी का हिल बनाएंगे और
बेस को नीचे की ओर लेके जाएंगे, डाउनवर्ड डॉग पोज। ट्राई करेंगे कि आपका पैर बिल्कुल जमीन पे टच हो जाए। आपको इस साइड से दिखा देते हैं। चलिए, फ्लोर पे रहेंगे, हाथ आपके यहां और फेस आपका बिल्कुल नीचे की ओर, पैर नीचे लेके जा सकते हैं पीछे की ओर। स्ट्रेच करेंगे पूरा बॉडी को, आप अपने पैरों को जमीन पे टच करेंगे पूरा, पूरे आपके हैमस्ट्रिंग्स और काफ्स स्ट्रेच होते हुए। यहीं से आप अपवर्ड डॉग पोज में आ जाएंगे। अगला आसन है नौकासन। बॉडी को आप नौका फॉर्म में लेके आएंगे, आपके पैर स्ट्रेट, आपके हाथ और आपकी आंखें तीनों एक ही डायरेक्शन में रहेंगे। चलिए रिलैक्स करेंगे यहीं पे, सुखासन में आएंगे। सो अभी तक हमने अपनी अपर बॉडी और लोअर बॉडी के कुछ आसन किए हैं, अब हम कंप्लीट लोअर बॉडी के आसन करेंगे। लेट जाएंगे फ्लोर पे, लेग्स को खोलेंगे, हाथ आपके साइड्स पे, आपका रेड राइट साइड का नी आपके लेफ्ट पैर के ऊपर होना चाहिए और आपका फेस राइट साइड जाना चाहिए। लेग सीधी लेके आएंगे और लेफ्ट पैर का, लेफ्ट लेग का थाई, आपका नी आपके राइट पैर के ऊपर जाना चाहिए, आपका फेस लेफ्ट साइड की ओर। ये प्रैक्टिस आपको 10 बार करनी है दोनों साइड्स पे। चलिए दोनों लेग्स को जोड़ लेंगे और राइट आउट साइड लेफ्ट साइड पे डोलेंगे और आपका फेस वैसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन में होल्ड करेंगे। जब आप नीचे लेके जाएंगे लेग को तो होल्ड करेंगे। Thank you.
साइकिलिंग, यहीं से आप 25 से 30 राउंड साइकिलिंग के शुरू करेंगे। उल्टी डायरेक्शन में करेंगे 25 से 30 राउंड। करेंगे बॉडी को, एक लेग को ऊपर उठाएंगे और सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दस से 15 राउंड लगाएंगे इसके। चलिए रिलैक्स करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। चलिए रिलैक्स, दूसरी साइड पे भी करेंगे। ऑपोजिट साइड, चलिए रिलैक्स, लेग्स यहीं से लेग रेज करेंगे ऊपर की ओर, लेग्स को लेके जाएंगे 15 से 20 राउंड। अगला आसन करेंगे हम हल आसन। हल आसन में आप बॉडी को पहले ऊपर की ओर लेके जाएंगे, फिर पीछे धकेलेंगे बॉडी को और आपके नीज बिल्कुल लॉक रहने चाहिए हल आसन के अंदर, हाथ आपके जमीन पे, नीज लॉक रहेंगे, सांस लेते रहेंगे छोड़ते रहेंगे।
रिलैक्स करेंगे, बॉडी को धीरे धीरे नीचे की ओर लेके आएंगे। रिलैक्स, शवासन में लेटेंगे एक मिनट के लिए। अभी तक जितने भी आसन हमने किए हैं उनका असर, उनका रिलैक्सेशन आप फील करेंगे। सारी बॉडी रिलैक्स होती हुई, आपकी आईज, आपकी नेक, आपका वेस्ट, बैक, स्टमक, लेग्स, सभी अंगों को हम ध्यान से धीरे धीरे करके फील करेंगे। तीन बार गहरा लंबा सांस लेंगे, उसके बाद हम ओम का जाप करेंगे, फिर कपाल भारती और अनुलोम विलोम करेंगे, और उसके बाद हम क्लोज करेंगे। सुखासन, अर्धपद्मासन और पद्मासन, जिस भी पोज में आप कंफर्टेबल हैं उस पोज में आ जाएं। शुरू करेंगे, गहरा लंबा सांस तीन बार लेंगे। बंद रखेंगे, आंखें खोलेंगे नहीं। शुरू करेंगे कपाल भारती, गहरा लंबा सांस लेंगे और सांस को छोड़ते रहेंगे। Thank you.
आप कम से कम 20 से 25 बार करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। फेस पे लगाएंगे।